हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर आपका स्वागत है। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं, केमिस्ट्री में 40 ऑब्जेक्टिव वीवीआई है, बोर्ड मॉडल है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या कि हम वीडियो जब भी डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप सबसे पहले आप देख सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो फिर लाइक कर देना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन कहता है, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो पोटासियम की 8 होती है। BCC एक सेल की संकुलन क्षमता होता है 68% होता है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व होता है सिलिकॉन होता है। लीटर बिलियन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहते हैं हम लोग मोलरता कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दो तर्वों को का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है क्या? एजोट्रॉप कहलाता है। बिलियन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाजों का योगफल जो होता है 1 के बराबर होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक को जो होता है वो ग्राम होता है। निम्न में से सबसे खराब सूचालक क्या है? इथाइल एल्कोहल है, C2H5OH। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से। उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका नाम है बर्जिलियस। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल दोष और स्कॉटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है? तो AgBr। किस धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय होती है? कितना? तो 12 होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है 8 होती है। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलरता कितनी होगी? बिलियन की मोलरता 0.25 होता है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक का उन्नयन है। एक जलीय बिलियन -0.186 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इस बिलियन का क्वथनांक उन्नयन होता है KA बराबर दिया गया है 1.86 और KB बराबर 0.15 है। इसका आंसर हो जाएगा 0.0512 होगा। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस। सेल ZnZnSO4Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड कितना हो जाएगा? तो ये Cu होगा, कॉपर होगा। ABC और D तो धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड -3.05 -1.66 -0.40 और +0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? इसका आंसर हो जाएगा ए की सबसे अधिक होगी। लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि K+ और Cl आयनों के चालक तो लगभग बराबर होते हैं। एक अभिक्रिया का वेग समीकरण वेग KA²B1 है। इस अभिक्रिया की कोटि होगी 2+1=3। कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरा हो जाती है, तो इसका 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो 50% होने में इसका समय लगेगा 16 मिनट। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है पृष्ठीय घटना। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है अधिशोषण ऊर्जा। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है विद्युत कण संचलन। दूध है जल में परिक्षेपित वसा। कोलाइडी विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? तो गैस का द्रव में परिक्षेपण। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ग्लूकोज की बलय संरचना में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है कायरल कार्बन की संख्या। XeF4 का आकार होता है क्या? स्क्वायर प्लेनर वर्गतलीय।
निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? आंसर हो जाएगा बी, मरकरी। FeCO5 में प्रसंस्करण होता है sp3d। HCP संरचना में पैकिंग विभाज होता है 0.754। कौन यौगिक गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं होता देता है? NaNO3। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अपने दोस्तों के बीच में यदि आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो इसी प्रकार से और आप लाइक यदि करते हैं तो मेरा इससे क्या होता है, उत्साह बढ़ता है, ठीक है ना। उत्साह बढ़ने से क्या होता है, हम सोचते हैं कि और अच्छे से अच्छे वीडियो को हम डालने का प्रयास करते हैं।